एक लापरवाह बॉस द्वारा लड़की को ठंडे फ्रिज में बंद कर दिया गया और लड़की चिल्लाने लगी और दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन बॉस अभी फोन पर बात कर रहा होता है और वो बिल्कुल नहीं सुनता और दुकान बंद करता है और घर चला जाता है। और यह हेलेन नाम की लड़की, वो एक चिकन की दुकान पर वेटर है और जब वो रात में माल धो रही थी तो वो फोन बाहर रख देती है और दुकानदार चला जाता है। और अब वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुकी थी और एक ठंडे कमरे में बंद हो गई थी। और फिर हेलेन ने अपनी ट्रॉली से कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर बुरी तरह से प्रहार किया। कोल्ड स्टोरेज का उपयोग गर्मी संरक्षण के लिए किया जा सकता है। और फिर हेलेन ने कई बार हिट किया लेकिन लोहे का दरवाजा बिल्कुल नहीं हिलता। और उसने समय देखने के लिए अपनी घड़ी निकाली और अब तो 12:30 बजे शॉपिंग मॉल बंद होता है। और जब चल रही आखिरी फिल्म खत्म होगी तो यह उसके बचाव का एकमात्र मौका है, क्योंकि कल मॉल का नवीनीकरण किया जाएगा और ये 3 दिन तक बंद रहेगा। और अगर वो बाहर नहीं निकली तो बड़ी परेशानी होगी। और फिर हेलेन को एक लोहे की कड़ाही मिली और वह दरवाजे की तरफ जाती है और शांति से समय देखती है। और फिल्म खत्म होने के बाद ग्राहक सिनेमाघर से बाहर निकलने लगते हैं और वो सब चिकन की दुकान से गुजरते हैं। और अंदर हेलेन समय पाती है और लोहे की कड़ाही उठाकर लोहे के दरवाजे पर दस्तक देती है। और सौभाग्य से एक लड़का आवाज सुन लेता है और दुकान के दरवाजे पर जाता है और पिताजी को बुलाता है, लेकिन लड़के के पिता को घर जाने की जल्दी थी इसलिए वो लड़के को उठाते हैं और जल्दी से चले जाते हैं। और हेलेन बेबस होकर जमीन पर बैठ गई और खुद को गर्म रखने के लिए अपने हाथों को हवा देने लगी और जोरदार व्यायाम करने लगी, लेकिन उसकी नाक से खून बहना शुरू हो गया। और खुद को गर्म रखने के लिए उसने अपने शरीर पर धातु के सभी गहने उतार दिए और अपना बैग खाली कर दिया और अंदर से एक तौलिया निकला। हेलेन ने नर्सिंग की पढ़ाई भी की है इसलिए उसे कुछ चिकित्सा ज्ञान भी है। और कम तापमान के वातावरण में मानव अंग नेक्रोसिस के लिए सबसे अधिक प्रवण होते हैं और उसकी प्राथमिकता अब हाथ पैरों को गर्म रखने के लिए। हेलेन ने जल्दी से अपना तौलिया फाड़ा और हाथों और पैरों को अलग अलग टेप से लपेट लिया और चमत्कार के लिए चुपचाप प्रार्थना करने लगी। और बाहर महिला के घर वालों को बहुत चिंता होती है क्योंकि हेलेन काफी देर के बाद भी घर नहीं पहुंची है। और पिता और प्रेमी उत्सुकता से इधर उधर देख रहे हैं और दोनों ने लड़की के सभी दोस्तों और सहकर्मियों से पूछा, लेकिन सभी ने हेलेन को नहीं देखा है। और उन्होंने चिकन शॉप के मालिक से भी पूछा लेकिन वो दुकान से निकलने वाला आखिरी व्यक्ति था और उसने कहा कि हेलेन दुकान में नहीं है। और फिर पिता अपराध दर्ज कराने थाने जाते हैं लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी इसे बड़ी बात नहीं समझते हैं और वो केस दर्ज करने से मना कर देते हैं और वो पिता की मदद नहीं कर सकते और वो बिना सिर वाले मुर्गे की तरह शहर के चारों ओर देखने लगते हैं। इस कोल्ड स्टोरेज में 2 बड़े एयर कंडीशनर हैं और लड़की लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी और हेलेन निश्चित रूप से एक पॉप्सिकल में जम जाएगी। और फिर वो मौके पर एक डिब्बा लेती है और कोल्ड स्टोरेज डिब्बों से 2 विभाजन करती है और फिर सावधानी से सीढ़ी चढ़ती है और डिवाइडर को दीवार से चिपकाने में मशक्कत करती है और एयर कंडीशनर को ढकने की कोशिश करती है, लेकिन तेज हवा के साथ एयर कंडीशनर टिमटिमाता हुआ विभाजन रुक नहीं सकता और अब ठंडी हवा से हेलेन अकड़ गई थी। और तभी एक भयानक दृश्य सामने आता है। हेलेन दर्द से कराहती हुई जमीन पर गिर जाती है और वो फिलहाल वो ठंडे बस्ते में फंस गई है और अब 1 घंटे से अधिक हो गया है। और उसने गंभीर दर्द का विरोध किया और शेल्फ को दूर धकेल दिया और उसने अपने मोजे उतारे और उसका टखना भरा हुआ और सूजा हुआ था और वो बुरी तरह से असंरेखित टखने को देखती है। और हेलेन निराशा में रो पड़ती है और 0 से 10 डिग्री कम के तापमान में वो लंबे समय तक नहीं रह सकती और उसका टखना ऑस्टियोनेक्रोसिस से पीड़ित हो गया है। और जीवित रहने के लिए हेलेन ने अपने घायल पैर को 2 अलमारियों के बीच फंसा लिया और जोर से पैर को झटका दिया और तुरंत वो चिल्लाने लगती है और उसके दर्द के मारे प्राण निकलने वाले थे, लेकिन कुछ मिनटों बाद हेलेन अचानक ठंड से जाग गई और उसे वहाँ एक छोटा चूहा दिखाई दिया और लड़की उसे देखकर बहुत डर गई, लेकिन कुकी नई आशा दिखाई दी। चूंकि चूहे कोल्ड स्टोरेज में जीवित रह सकते हैं तो वह भी कर सकती है। उसने कार्डबोर्ड और टेप का इस्तेमाल किया और घायल पैर का सरल स्थिरीकरण किया और वो शांत नहीं बैठ सकती और उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। और वो अपनी ऊर्जा के लिए कोल्ड स्टोरेज में भोजन की तलाश करने लगती है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में ज्यादातर फ्रोजन मीट होता है और लड़की इसे कच्चा नहीं खा सकती, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और उसे कोने में एक ब्राउनी का डिब्बा मिला और इस चॉकलेट से हेलेन समय रहते ऊर्जा प्राप्त करती है और एयर कंडीशनर की गर्जना के साथ उस कोल्ड स्टोरेज में तापमान यह -16 डिग्री पर पहुंच गया है। और बैकपैक पकड़े हुए हेलेन कांपती रहती है और बहुत नींद में उसे अपने बैग से एक लाइटर मिलता है और यह उसके लिए एक खजाना है। और वो जल्दी से कुछ किताबें ढूंढती है और तुरंत आग जलाती है
और आग की लपटों की गर्मी से हेलेन के कठोर अंग थूक होने लगते हैं और अंत में उसे कुछ राहत मिलती है। और अब परिवेश का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और हेलेन फैलने की कोशिश करती है और ज्यादा से ज्यादा कैलोरी लेने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोल्ड स्टोरेज को सील किया जा सकता है और जलने से बहुत धुआं पैदा होता है और कोल्ड स्टोरेज को धुएं से भरते देर नहीं लगी और हेलेन का गला घुटने लगा और वो बार बार खांसने लगी और इस तरह लड़की वहाँ फंस जाती है। वो जमकर नहीं मरी, लेकिन उसे पहले वो गला दबकर मर जाएगी। और अब हेलेन के पास पत्रिकाओं से आग को ढकने के अलावा कोई चारा नहीं था। पत्रिका कवर एक इग्लू के साथ, यह एस्किमो का गर्म रखने का अनूठा तरीका है और हेलेन इससे प्रेरित होती है। कोल्ड स्टोरेज में एक जगह बनाती है और उसने खुद को इग्लू बना लिया और वो काम गई और इग्लू में सिमट गई और उसने एक लाइटर जलाया और वो जागते रहने की कोशिश करने लगी। और लगभग आधे घंटे के बाद लाइटर का हल्का ईंधन समाप्त हो गया और हेलेन मुश्किल से इग्लू से बाहर निकली और उसके सामने के दृश्य ने उसे निराश कर दिया। उस छोटे चूहे को जमकर मार डाला गया है और हेलेन भावनात्मक टूटन देखती है और चारों ओर तोड़फोड़ करती है। पहले तो वो काफी देर तक जमीन पर लेटी रही और उसका एक हाथ जम गया था। जैसे ही उसने बल लगाया तो उसके हाथ से चमड़ी का टुकड़ा उतर गया और उसका हाथ चीर डाला गया और वो मरे हुए चूहे को देखती है। ऐसा लगता है कि लड़की ने अपना अंत पहले ही देख लिया था, लेकिन वो अभी भी बहुत हिम्मत वाली है और वो मरना नहीं चाहती और वो अपने बूढ़े पिता के बारे में सोचती है। और हेलेन अपनी लड़ाई की भावना वापस पा लेती है और वो प्लास्टिक रैप का इस्तेमाल करती है और पूरे शरीर को लपेट लेती है। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करती है और फिर वो जमे हुए मांस को उठाती है और एयर कूलर पर निशाना लगाती है और उसे जोर से तोड़ती है एक बार और फिर दो बार। और लगभग एक दर्जन बार के बाद एयर कूलर को आखिरकार तोड़ दिया गया और बंद कर दिया गया, लेकिन अब उसकी शक्ति खत्म हो रही है और वो खुद को संभाल नहीं पाती और जमीन पर टांगों के बल बैठ जाती है। और फिर दूसरी ओर उसके पिता के अथक प्रयासों से अंत में उन्हें एक शेरिफ मिला और उसे अपराध की सूचना दी और शेरिफ ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और तुरंत लड़की की जांच शुरू की गई। और फिर प्रेमी को मॉल के बाहर एक रिक्शा चालक की याद आई, वो अक्सर हेलेन को परेशान करता था। हो सकता है कि हेलेन के लापता होने से उसका कुछ लेना देना हो। और लोगों का एक समूह मॉल के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन कुछ समय बाद के बाद ड्राइवर का कहना है कि उसके साथ गलत हुआ है। और गेट पर खड़ा पुराना सुरक्षा गार्ड हेलेन की तस्वीर को देखता है और काफी आत्मविश्वास से हेलेन को अभी भी मॉल में होने का दावा करता है, क्योंकि वो हेलेन से बहुत प्रभावित था। शॉपिंग मॉल में हर दिन लोगों की भीड़ लगी रहती है और विनम्र सुरक्षा गार्ड की ओर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हेलेन सबसे अलग है और वो काम से निकलने और जाने के लिए हर दिन मुस्कुराती है और वो सुरक्षा गार्ड को नमस्ते कहती है। और सुरक्षा गार्ड की छाप में उसने हेलेन को रात में बाहर आते नहीं देखा और सभी लोग तुरंत मॉल में तलाशी के लिए दाखिल हुए, लेकिन मॉल में सैकड़ों दुकानें हैं और सभी ने कोने कोने की तलाशी ली। केवल एक चीज जो वो भूल गए, वो सबसे महत्वपूर्ण चिकन की दुकान है, क्योंकि फ्राइड चिकन शॉप के मालिक के मुताबिक वो जाने वाला आखिरी आदमी था, इसलिए हेलेन स्टोर में नहीं हो सकती। और उसने झूठ नहीं बोला था क्योंकि वो हेलेन के बारे में सोचना चूक गया था, लेकिन हेलेन ने उसे देखा था लेकिन उसने हेलेन को नहीं देखा था। और इस कारण ठंडे बस्ते में हेलेन लगातार मर रही थी और उसने अनजाने में दीवार पर लगे शिकंजे की झलक देखी, इसलिए उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और चारों लगे हुए पेंच खोल दिए और दीवार से विभाजन को हटा दिया। लेकिन पार्टीशन के पीछे मॉल का सीवर पाइप है और हेलेन एक थाली उठाती है और पानी के पाइप को पीते रहती है और यही हल्की सी दस्तक ही है जो उसे मौत के मुंह से वापस खींच लेती है। और उसके पिता आवाज सुन लेते हैं और वो जल्दी से चिकन की दुकान में दौड़ते हुए जाते हैं और वो बर्फ में लिपटी बेटी को देखते हैं और वो बेटी को देखकर रोने लगते हैं। ये दृश्य बहुत भयानक है, लेकिन सब बहुत खुश होते हैं और हर कोई हेलेन को अस्पताल भेजने के लिए दौड़ पड़ता है और उसकी जांच की जाती है। और हाथ की खरोंच को छोड़कर उस लड़की का सब कुछ सामान्य है। 0 से 16 डिग्री के कम तापमान में सामान्य लोग 1 घंटा भी मुश्किल से रह सकते हैं, लेकिन हेलेन 5 घंटे तक डटी रही। हमें कहना होगा कि यह एक चमत्कार है। ये फिल्म एक उच्च स्कोरिंग साहसिक फिल्म हेलेन है और इच्छुक मित्र इसे देखने जा सकते हैं। ठीक है, आपसे अगली बार फिर मिलते हैं।